Hey guys, what's up? मेरा नाम है बाबा, आप देख रहे हैं बाप की मर्ज़ी की एक और नई गेम प्ले वीडियो। तो यार आज है बहुत ही बड़ा मैच एक राइवलरी के बीच, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंटरनेशनल। आज बहुत ही बड़ा दिन, देखना होगा इन दोनों टीमों में किस तरीके से आज मैच खेला जाएगा, किस जज्बे के साथ। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं नेशनल एंथम। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को स्किप कर दें अगर अपने घर में देख रहे हो, और नहीं तो प्लीज स्टैंड अप। ये आ गया है आज बहुत ही बड़ा दिन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T10 वानखेड़े में। चलिए शुरू करते हैं, और ये है हम दोनों की टीम, मेरा मतलब इंडिया और पाकिस्तान, देख लीजिए। और अब देखते हैं, सीधे चलते हैं विकेट के ऊपर और टॉस पे विराट कोहली। देखते हैं पाकिस्तान करेगा कॉल, और ये टॉस उछला, पाकिस्तान ने जीत लिया है टॉस। देखना होगा क्या करेंगे, हार्ड विकेट, थोड़ा सा डस्टी भी है, देखना होगा पाकिस्तान करेगा पहले बॉल। रोहित और धवन, देखना होगा किस तरीके से शुरुआत करेंगे। रोहित पहला बॉल मोहम्मद आमिर से, काफी अच्छा अंदर आता है इनका बॉल, पहला बॉल फुल टॉस मोहम्मद आमिर का, और ये रोहित शर्मा का पहली गेंद पे 6 रन, काफी बड़ा छक्का रोहित का। यहाँ पे दिखा दिए हैं अपने इंटेंट यहाँ रोहित शर्मा ने, मोहम्मद आमिर का पहला ही गेंद फुल टॉस हुआ, और रोहित ने क्रीज के बाहर खड़े थे, फुल टॉस बना, काफी अच्छा फ्लिक पे 6 रन फाइन लेग की दिशा में। अगला बॉल देखना होगा मोहम्मद आमिर किस तरीके से कमबैक करते हैं, काफ़ी बड़ा दिन आज दोनों ही देशों के लिए। काफ़ी अच्छा फ्लिक, 2 रन की मांग, शिखर धवन ने ना किया, काफ़ी अच्छा सूझबूझ से ना किया यहाँ शिखर धवन ने, काफ़ी अच्छा कमबैक यहाँ मोहम्मद आमिर द्वारा। देखते हैं धवन इस इनिंग की शुरुआत किस तरीके से करेंगे, क्या मोहम्मद आमिर फिर से एक बाहर निकलता हुआ गेंद डालेंगे, और एक और बाहर निकलता हुआ गेंद, और ये बेहतरीन कवर ड्राइव करा है धवन ने, शायद से बाउंड्री के पार नहीं होगा, काफ़ी अच्छा फील्ड यहाँ पाकिस्तान फील्डर द्वारा, 3 रन ले लिए हैं यहाँ, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ शिखर धवन द्वारा। देखना होगा रोहित किस तरीके से इस इनिंग को शुरू करते हैं, आगे चलाते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी दी है यहाँ रोहित ने, काफ़ी अच्छा यॉर्कर, लेकिन फुल टॉस बनाया रोहित ने और चिप कर दिया हल्का सा, फ्लिक करते ही 4 रन स्क्वायर लेग दिशा में, काफी अच्छा शॉट, बहुत बाहर खड़े हैं रोहित, काफी अच्छा फ्लिक पे शॉट, और ये 4 रन, मोहम्मद आबिर खुश नहीं होंगे इस शॉट से, रोहित ने अपने इंटेंट बता दी हैं आज, क्या रोहित इस मैच में अपना शतक बनाएंगे। अगला बॉल पुल शॉट, रोहित का फेवरेट शॉट, काफी अच्छा शॉट, और ये 4 रन, एक और रोहित का एक और शानदार शॉट, काफ़ी जल्दी बैकफुट में आए और कलाइयों को मोड़ा, रोल डाउन किया रिस्क को, और बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। रोहित शर्मा ने काफ़ी सूझबूझ से शुरुआत दिला दी है यहाँ इंडिया को, और ये एक बाउंसर और उससे भी अच्छा शॉट रोहित शर्मा द्वारा, अपना फेवरेट शॉट मारते हुए पुल शॉट, काफ़ी जल्दी बैकफुट पर आते हैं, लगता है इनके पास समय ज़्यादा रहता है, काफ़ी फ्लैट और तेज जाता हुआ 6 रन। देखते हैं अगला ओवर, शाइन अफरीदी आ चुके हैं यहाँ, काफ़ी समझदार गेंदबाज, तेज गति के गेंदबाज, देखते हैं एक यंगस्टर के आगे एक थोड़ा मैच्योर बल्लेबाज, काफ़ी अच्छा यॉर्कर मना किया यहाँ रोहित ने, काफ़ी तेज यॉर्कर फेंका है यहाँ शाइन ने 141 किलोमीटर का, काफ़ी अच्छी शुरुआत यहाँ शाइन अफरीदी की, बहुत अच्छा कंट्रोल इनकी गेंदबाजी में इनके पास, देखना होगा अगला गेंद कहाँ डालेंगे। काफ़ी अच्छा बॉल शाइन का, रन ले लिया है यहाँ रोहित ने, डाइव मारा लेकिन काफ़ी कंफर्टेबली पहुँच गए विकेट पे। अगला बॉल शाइन का, राउंड द विकेट से आ रहे हैं शाइन रोहित के लिए, काफ़ी समझदारी भरी गेंदबाजी शाइन की,
काफ़ी अच्छा बॉल था लेकिन रोहित ने उसे इतना ही बुरा बना दिया। एक ज़्यादा छोटा ना बॉल लेकिन रोहित ने उसे छोटा बना के मार दिया है ग्राउंड के बाहर। काफ़ी अच्छा बॉल था, कमर के पास था, लेकिन रोहित शर्मा के पास एक अतिरिक्त टाइम रहता है यहाँ पे छोटी गेंदों को खेलने के लिए। काफ़ी अच्छा शॉट रोहित शर्मा द्वारा, काफ़ी अच्छा इनिंग को शुरुआत दे चुके हैं इंडिया की। और ये बेहतरीन शॉट रोहित का, एक और थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका। काफ़ी अच्छी खेल रहे हैं यहाँ गेंदों को रोहित, काफ़ी जल्दी आए, कट किया और बहुत ही फाइन कट किया। स्लिप होती तो शायद से सेकंड स्लिप पे रुक जाता लेकिन रोहित शर्मा ने उतना ही अच्छा रोल ओवर किया रिस्ट को। काफ़ी अच्छी शुरुआत दिला दी है रोहित ने इंडिया को, देखना होगा आगे क्या चलता है। काफ़ी अच्छा बॉल चाइन का, बैकफुट पंच किया, हल्का सा गाइड किया, माफ़ कीजिएगा, एक रन के लिए। धवन पे वापस स्ट्राइक, धवन का भी खाता, चार रन पे तीन गेंदें खेली हैं धवन ने। देखते हैं अगला गेंद, बाउंसर और धवन का उतना ही अच्छा पुल शॉट। यहाँ रोहित को भी बता दिया कि यार भाई हम भी पुल शॉट काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं, काफ़ी अच्छा जल्दी समय पे आए, अच्छा टाइम किया और छः रन। अगला ओवर मोहम्मद आमिर, स्पेल ख़त्म कराना चाहते हैं यहाँ कप्तान मोहम्मद आमिर से, देखना होगा अब इस ओवर में किस तरीके से फिनिश करेंगे अपना स्पेल। एक और छोटा गेंद रोहित शर्मा का शॉट और ये बच गए यहाँ, बाउंड्री के पार नहीं जा पाया। और यह काफ़ी अच्छा फील्ड पाकिस्तानी फील्डर द्वारा, तीन रन ले लिए हैं यहाँ इंडियन बैट्समैन ने, काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद आमिर थोड़ा सा एडवांटेज ले चुके थे क्योंकि बैट पे पूरा आया नहीं गेंद। अगला बॉल शिखर धवन को मोहम्मद आमिर का, काफ़ी अच्छा बॉल, बाउंसिंग बॉल और ये बच गए यहाँ, क्या करना चाह रहे थे, कोई कॉल नहीं। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ मोहम्मद आमिर की, छोटी गेंदें काफ़ी फेंक रहे हैं विकेट में, काफ़ी बाउंस यहाँ मुंबई की। काफ़ी जल्दी आए फिर से, छोटा गेंद लेकिन इस बार बाउंड्री के पार, चार रन के लिए। और यहाँ इंडिया का 50 रन पूरा, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ दोनों बैट्समैन द्वारा। ओपनर ने यहाँ काफ़ी अच्छा साथ दिया है एक दूसरे का। फिलहाल अभी एग्रेसर रोहित लेकिन जल्दी ही धवन भी पैडल पे करेंगे पैर। अगली बॉल मोहम्मद आमिर की, काफ़ी अच्छा स्लोअर बॉल मोहम्मद आमिर द्वारा, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी आमिर की। और यहाँ छोटी बॉल से छोड़ा, ऊपर आए और बचे, एक रन ही दिया, यहाँ तक है मोहम्मद आमिर को, ऊपर ही गेंद डालनी पड़ेगी। और ये फुल टॉस बनाया धवन ने लेकिन कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा शिखर धवन को। लेकिन यहाँ काफ़ी अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद आमिर की, इस ओवर में काफ़ी अच्छा कमबैक कर लिया है मोहम्मद ने, देखना होगा आखिरी ओवर बॉल का स्पेल कैसे ख़त्म करेंगे। काफ़ी अच्छा गेंद एयर में और ये रोहित जल्दी मार बैठे लेकिन चार नहीं हो पाएगा। काफ़ी अच्छी बॉलिंग यहाँ मोहम्मद आमिर की और ये डायरेक्ट थ्रो बाउंड्री लाइन से, काफ़ी अच्छी डाइव लगा के रोका। शादाब खान आ चुके हैं यहाँ, पाकिस्तानी टैलेंटेड लेग स्पिनर, देखना होगा किस तरीके से शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। और ये काफ़ी अच्छा कट करना चाहते थे लेकिन जल्दी मार बैठे शिखर धवन और ये आउट। धवन आज फॉर्म में लग ही नहीं रहे थे, पहली गेंद पे शादाब खान ने विकेट चटकाया, पाकिस्तान को थोड़ा सा मैच में वापस लाए। अभी तक अग्रेसर चल रहे थे यहाँ रोहित लेकिन बैकफुट में धकेला इंडिया को वापस से यहाँ शादाब खान ने। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, छोटा था लेकिन तेज़ आया बल्ले पे और पॉइंट की दिशा में आउट होते हुए अगला बल्लेबाज विराट कोहली आ चुके हैं यहाँ, किंग कोहली आ चुके हैं क्रीज पे। देखते हैं रोहित अब इस इनिंग को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी अच्छा बॉल शादाब का, पॉइंट पर मार के भाग गए हैं रोहित लेकिन यहाँ पे सिंगल नहीं लेना चाहिए था और दूसरे रन भी भाग लिया है यहाँ रोहित ने। काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ विराट कोहली द्वारा, विराट द फिटेस्ट मैन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ रोहित की। 13 गेंदों में 44 पे पहुँच चुके हैं और ये बेहतरीन गेंद, काफ़ी माइनर टर्न हुआ लेकिन क्या लाइन थी यहाँ रोहित को, थोड़ा सा अपना
इंटेंट चेंज करके थोड़ा सा भी फिलहाल इनिंग्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये बेहतरीन शॉट रोहित शर्मा का, थर्ड मैन के ऊपर से मार दिया है, थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन बल्ले पे पूरी तरीके से आया नहीं गेंद, और ये दो रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रोहित शर्मा को। काफ़ी समझदारी भरी गेंदबाजी यहाँ शादाब खान द्वारा, अच्छा ओवर जाता है अभी तक। और ये काफ़ी अच्छा बॉल शादाब खान का, विराट चाहते हैं दो रन लेना, रोहित भागे विराट के एंड पे, काफ़ी अच्छा डाइव यहाँ विराट का, फिटेस्ट मैन यहाँ पे विराट कोहली दिखाते हुए अपनी फिटनेस का। अगला बॉल शादाब का, काफ़ी अच्छा बॉल शादाब खान द्वारा, यहाँ पे रोहित ने अब की बार मना किया, काफ़ी अच्छा कॉल यहाँ डायरेक्ट हिट बाउंड्री से। चार ओवर 61 रन यहाँ पे इंडिया के, मोहम्मद हफीज आ चुके हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस आ चुका है यहाँ। और ये रिवर स्वीप, काफ़ी अच्छी फील्डिंग, गलत रन ले बैठे लेकिन यहाँ पे बच गए। और यहाँ रोहित शर्मा का 50, 18 गेंद में महज 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से। देखना होगा विराट कोहली इस इनिंग की शुरुआत किस तरीके से करते हैं, अपने इनिंग की शुरुआत और किस तरीके से इनिंग्स को बढ़ाते हैं इंडिया की। और ये काफ़ी अच्छा शॉट एयर में था, विराट काफ़ी जल्दी से एयर में मार बैठे आज, थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ी जल्दी आ गया बॉल इस बार। स्टार्टिंग कर ली है यहाँ अपनी इनिंग की विराट ने, एक बॉल 2 रन, और ये रन नहीं लेना चाहिए, काफ़ी समझदारी भरा कॉल यहाँ रोहित के द्वारा। यहाँ पे विराट कोहली हल्का सा टैप करके रन लेना चाहते थे, बैट के एज लगा और रन नहीं मिला। और ये स्वीप मारना चाहते थे जो कि इनकी शैली में नहीं, दूसरा रन ले लेंगे यहाँ पे। काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ विराट कोहली द्वारा, काफ़ी अच्छी रनिंग। देखते हैं मोहम्मद हफीज, अभी तक बेहतरीन ओवर जाता हुआ मोहम्मद हफीज का। और ये बोल्ड विराट कोहली स्वीप मारते हुए, काफी खराब शॉट सिलेक्शन यहाँ विराट का, पैरों के बीच से निकला, और ये काफी निराशाजनक स्थिति यहाँ हिंदुस्तान के नाम, बैकफुट में धकेल दिया यहाँ पाकिस्तानी टीम ने इंडियन को। और लोकेश राहुल आ चुके हैं अब स्ट्राइक पे, लोकेश राहुल ऑन स्ट्राइक नाउ, इंडिया ऑन बैक फुट। काफ़ी अच्छा शॉट, 2 रन की अपील, मगर मना किया रोहित ने, काफ़ी समझदारी भरी तरीके से मना किया, बैकअप करा लेकिन जाता हुआ। देखना होगा अब किस तरीके से संभालेंगे इन 5 ओवर को भारतीय टीम। लोकेश राहुल आए हैं यहाँ बैटिंग करने, काफ़ी अच्छा पंच यहाँ लोकेश राहुल का 1 रन के लिए, काफ़ी अच्छी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पाकिस्तानी फील्डर द्वारा। 5 ओवर 68 रन हैं, देखना होगा किस तरीके से आगे जाएगी इस इनिंग की। यहाँ पे काफ़ी अच्छा शॉट रोहित का, लेकिन उससे अच्छी फील्डिंग शादाब खान द्वारा। क्या इस ओवर में कुछ बड़ा होने वाला है? और ये एयर में शॉट लगता है हाथ में जाएगा, और ये विकेट, पाकिस्तान टीम पूरी तरीके से इस मैच में वापस। काफी खराब शॉट सिलेक्शन यहाँ रोहित ने, बहुत ही निराशाजनक शॉट खेला। इस वक्त रोहित को ये नहीं शॉट खेलना चाहिए था, पिछले ही ओवर में विराट आउट हुए, इस ओवर में रोहित काफी अच्छा स्कोर करके निराशाजनक स्थिति में इंडिया। अब आए हैं हार्दिक पांड्या, लोकेश राहुल ऑन स्ट्राइक, फिर से स्वीप की कोशिश, हर भारतीय लगता है स्वीप मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन उतनी ही बार फेल होता जा रहा है। हार्दिक पांड्या ऑन स्ट्राइक नाउ, देखते हैं कुंफू पांड्या किस तरीके से इनिंग को बिल्ड करते हैं आज। काफ़ी अच्छा शॉट, और ये रनिंग और डायरेक्ट थ्रो लेकिन बच गए राहुल, काफ़ी अच्छे फिट राहुल, अच्छी डाइव लगा के बचा लिया अपने आप को। आखिरी गेंद शादाब खान की, काफ़ी अच्छा ओवर अभी तक, काफ़ी अच्छा पंच एक और बार राहुल का, और उससे भी बेहतरीन फील्डिंग पॉइंट फील्डर द्वारा। 6 ओवर 71 रन, वापस आ चुके हैं मोहम्मद हफीज, लोकेश राहुल ऑन स्ट्राइक,
काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी यहाँ पाकिस्तानी फील्डर द्वारा, माफ़ कीजिएगा गेंदबाज द्वारा, और ये फील्डिंग उससे भी अच्छी कर रहे हैं इस समय मगर। और ये बेहतरीन, इसी बीच लोकेश राहुल का कवर्स पे एक बेहतरीन पंच और चार रन के लिए, काफ़ी शानदार इन लाइन एल्बो, क्या बात है, टेक्स्ट बुक शॉट। अगला गेंद मोहम्मद हफीज़ का, शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है इंडियन टीम के नज़रिए से, काफ़ी अच्छा शॉट, एक और बहुत ही रिस्की सिंगल लेकिन कंप्लीट किया जल्दी। अब आ गए हैं हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे, देखते हैं किस तरीके से इनिंग को शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा शॉट और ये रिस्की शॉट, और आ गए हैं पांड्या स्ट्राइक छोड़ के, काफ़ी तेज़ भागते हैं दोनों विकेट पे ये बल्लेबाज। देखना होगा लोकेश राहुल अगला बॉल किस तरीके से खेलेंगे, और ये बोल्ड काफ़ी धीरे डाला हाफिज ने, और राहुल जल्दी खेल बैठे, बैट के एज इनर एज से लगा, और ये बहुत ही बुरा समय इंडियन टीम के लिए, बहुत ही समझदार सूझबूझ भरे बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अब आए हैं ऋषभ पंत इस टीम के पिंच हिटर, देखना होगा ऋषभ इस पारी को किस पार पहुंचाएंगे। काफ़ी अच्छा शॉट ऋषभ पंत का, लेकिन बच गए, काफ़ी रिस्की खेल रहे हैं आज पांड्या को ही अब इस इनिंग्स को बचाना होगा इंडिया की उम्मीद हार्दिक पांड्या इस समय। काफ़ी अच्छा शॉट मना किया पांड्या ने, काफ़ी समझदारी भरा कॉल। सात ओवर में रह गए हैं अब महज 78 रन, हसन अली आए हैं, ऋषभ पंत ऑन स्ट्राइक, देखना होगा ऋषभ किस तरीके से खेलेंगे आज। बेहतरीन शॉट ऋषभ पंत का, पुल शॉट पे अपना इंटेंट बता दिया, अपनी वजह बता दी इस टीम में होने की, काफ़ी शानदार पुल शॉट, जल्दी हाई बैकफुट पे, ज़्यादा छोटी नहीं थी बॉल, लेकिन थर्ड मैन की बाउंड्री छोटी, माफ़ कीजिए फाइन लेग की, और ये बेहतरीन शुरुआत दे दी है इस ओवर को, क्या इस ओवर को बड़ा बना सकते हैं ऋषभ। और ये इन स्विंगिंग बॉल, अपील तो की है पाकिस्तानी बॉलर ने, देखना होगा क्या रिव्यू लेते हैं, मेरे ख्याल से ले लेंगे, और क्योंकि काफ़ी रिस्की हो सकता था, और ये नहीं लिया रिव्यू, काफ़ी बुरा डिसीजन मैं मेरे हिसाब से। तो एक और छोटा बॉल, एक और पुल शॉट, क्या ये बाउंड्री के पार जा पाएगा, काफ़ी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पांड्या भाई द्वारा, बहुत अच्छा शुरुआत मिल चुका है यहाँ पे पंत को। और ये बेहतरीन गेंद हसन अली की, लेंथ बॉल, इस समय लेंथ बॉल का उपयोग करके चकमा दे दिया ऋषभ पंत को, बैट्समैन ने नहीं उम्मीद की थी कि इस समय लेंथ बॉल आएगा। और ये एक बाउंसर, बिल्कुल ही चूक गए यहाँ ऋषभ पंत, फर्स्ट बाउंसर, और ये एंड करना चाहेंगे अच्छा हसन अली इस ओवर का, अभी तक बेहतरीन ओवर गया हसन अली का। और ये बेहतरीन यॉर्कर हसन अली की कैच, और ये आउट, ऋषभ पंत आउट हो चुके हैं, काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ हसन अली की, काफ़ी अच्छा यॉर्कर, और ये बैट के बिल्कुल ही नीचे हिस्से पे लगा, और ऋषभ पंत को निराशाजनक जाना होगा पवेलियन पे, इंडियन टीम इस समय मझधार में। अब आए हैं रविंद्र जडेजा और आए हैं शाहीन अफरीदी इस एंड से गेंदबाजी करने, सेकंड लास्ट ओवर करने, रविंद्र जडेजा ऑन स्ट्राइक, शाहीन अफरीदी, देखना होगा जडेजा किस तरीके से इस इनिंग को समाप्त करेंगे इंडिया के लिए। काफ़ी अच्छा बॉल और उससे भी अच्छा शॉट, लेकिन एक एक सिंगल से इस समय अब कुछ नहीं होगा, T10 में इस ओवर में कम से कम 20 रन तो चाहिए इस इंडिया की इनिंग को आगे बढ़ाने के लिए। पांड्या थोड़ा सा बाहर निकल गए, और ये बेहतरीन शॉट, लेकिन 6 रन फील्डर के ऊपर से काफ़ी जल्दी ही कट कर दिया, स्लैश करते ही बाउंड्री के पार गया बॉल, काफ़ी तेज़ गति से डाला हुआ था बॉल, काफ़ी तेज स्लैश, और ये हार्दिक पांड्या का शानदार छक्का। अगला बॉल देखना होगा शाहीन किस तरफ डालेंगे, पांड्या पूरी तरीके से ऑफ स्टंप पे खड़े हुए हैं,
काफ़ी अच्छा बॉल शाहीन अफरीदी का तेज़ गति से आता हुआ, पांड्या ने सिंगल चुरा लिया। इस ओवर में अब तक 8 रन। देखना होगा अगली 3 गेंदें किस तरीके से आएंगी शाहीन अफरीदी की। शानदार शॉट यहाँ पांड्या का, माफ कीजिएगा रविंद्र जडेजा का, लेकिन उससे भी शानदार फील्डिंग यहाँ पाकिस्तानी फील्डर द्वारा। पाकिस्तान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है इस मैच में अभी तक। काफ़ी अच्छा कमबैक किया है पाकिस्तान ने, और ये बहुत ही वाइड बॉल को बेमतलब में छेड़ दिया, और हार्दिक पांड्या ने बहुत ही निराशाजनक शॉट खेल के अपना विकेट खुद दिया है यहाँ पे पाकिस्तान को। शानदार गेंदबाजी यहाँ शाहीन अफरीदी की, तेज गति के गेंदबाज, काफ़ी दूर था गेंद लेकिन एज लगा, कट मारा था, बेहतरीन कैच यहाँ बाबर आजम द्वारा। अब आए हैं युजवेंद्र चहल, काफ़ी निराशा होगी हिंदुस्तानी टीम को, इस मुसीबत में आ चुके हैं। अब देखना होगा आखिरी गेंद, युजवेंद्र चहल ने एक पुल शॉट खेल दिया है लेकिन हाथ में बैट पे पूरी तरीके से आया, लेकिन उस शॉट में इतनी जान नहीं कि वो बाउंड्री के पार जाए। अच्छा किया यहाँ जडेजा ने सिंगल नहीं लिया, स्ट्राइक चेंज हो जाती नहीं तो। मोहम्मद शामी आए हैं जडेजा के साथ निभाने। जडेजा को इस ओवर को मेरे हिसाब से पूरा खेलना होगा, देखते हैं जडेजा किस तरीके से इनिंग को फिनिश करते हैं इंडिया के लिए। काफी अच्छा बॉल और हाथ में मार बैठे रविंद्र जडेजा। इस समय हिंदुस्तानी टीम को काफी निराशा होगी इस तरीके की बैटिंग परफॉर्मेंस देख के। काफी जल्दी आ गए, बॉल आई तेज और वो आए और जल्दी, मगर बल्ले के बीच में हुआ नहीं संपर्क नवदीप सैनी और मोहम्मद शामी। देखना होगा सैनी क्या कुछ रन बना सकते हैं, इस स्कोर को 100 के पार पहुंचा सकते हैं। और ये नो बॉल मिला यहाँ पे, रन आउट होने का चांस, लेकिन बच गए। मोहम्मद शमी ने काफ़ी समझदारी भरा काम किया, स्ट्राइक चेंज कर ली। मोहम्मद शमी जाने जाते हैं बड़े हिट लगाने के लिए। देखना होगा मोहम्मद शमी किस तरीके से इस बॉल को कहाँ पे पहुँचाते हैं। और ये यॉर्कर, काफ़ी अच्छा बॉल यहाँ, हसन अली काफ़ी अच्छे, समझदार एक्सपीरियंस गेंदबाज, अभी तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। क्या इंडिया पहुँच पाएगी 100 के पार। और ये बेहतरीन स्लोअर बॉल, देखना होगा, काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन चुरा लिए यहाँ मोहम्मद शमी ने। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ हसन अली की, देखना होगा क्या ये रिव्यू लेंगे। और पाकिस्तानी फील्डरों ने मना किया, मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए था रिव्यू। आखिरी 3 गेंदें और ये बेहतरीन शॉट, क्या ये बाउंड्री पार होगा, नहीं, सीधा फील्डर के हाथ में। काफी अच्छा शॉट मारने की कोशिश की थी यहाँ पे नवदीप सैनी ने, लेकिन फील्डरों के हाथ में मार बैठे। यहाँ पे आज भारतीय टीम काफ़ी निराश होगी, हर शॉट उनका फील्डर के हाथों में गया। आए हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन स्ट्राइक यहाँ शमी पे, 2 गेंदें, क्या इंडिया दोनों गेंद खेलेगी पूरा। और ये बहुत तेज़ गति का गेंद, और ये डायरेक्ट हिट लगी यहाँ पे, लेकिन बच गए। यहाँ पे सिंगल्स लेके काम चलाना होगा। बुमराह पे इनिंग का आखिरी गेंद, देखना होगा बुमराह क्या करते हैं इस गेंद पे। बुमराह ने स्टंप कवर्स कर ली है, देखना होगा किस छोर पे मारेंगे बॉल। और ये बेहतरीन शॉट बुमराह का, सिर्फ बैट टच कर दिया और 4 रन के लिए, काफ़ी मदद होगी इस शॉट से। ये है स्कोर कार्ड, काफ़ी निंदाजनक स्कोर कार्ड, सिर्फ रोहित चले और कोई नहीं। आ चुके हैं यहाँ पे पाकिस्तानी बल्लेबाज इमामुल हक, जसप्रीत बुमराह शुरुआत करेंगे इंडियन टीम की। देखना होगा किस तरीके से होगी शुरुआत। काफ़ी आक्रामक फील्ड ली है जसप्रीत बुमराह ने, पहला गेंद बुमराह के द्वारा, और ये बहुत तेज बॉल, और ये अपील की है बुमराह ने, और ये पहली गेंद पे विकेट, हिंदुस्तान। काफ़ी शानदार गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह, पूरी तरीके से टीम को पूरे मैच में वापस ले जाते हुए। बुमराह की बहुत शानदार गेंदबाजी, इमामुल हक को डक पे आउट किया। काफ़ी शानदार गेंदबाजी यहाँ जसप्रीत बुमराह द्वारा, क्या बुमराह बनेंगे इस
मैच के मैन ऑफ द मैच अपनी गेंदबाजी के दम पे आ चुके हैं यहाँ पे बाबर आजम, काफी नामी ग्रामी बल्लेबाज। और ये बेहतरीन गेंद बुमराह की, लेकिन एज लगा और ये चार रन के लिए। शानदार गेंदबाजी यहाँ जसप्रीत बुमराह द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी, जल्दी मार बैठे और बुमराह इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके की फील्ड सेटअप विराट कोहली द्वारा, और ये बेहतरीन गेंद बुमराह की, और ये हल्का सा पंच कर दिया बाउंड्री पे जाता हुआ बॉल, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ किया फील्डर ने। काफी अच्छा थ्रो, दो रन ले यहाँ बाबर आजम को। शानदार गेंदबाजी यहाँ बुमराह की, देखना होगा अगला बॉल किस तरीके से डालते हैं बुमराह। और ये बेहतरीन गेंद एक रन के लिए बाबर आजम को, शानदार गेंदबाजी यहाँ जसप्रीत बुमराह द्वारा। यहाँ केएल राहुल, फकर जमान आए हैं अब स्ट्राइक पे। यहाँ पे कुछ विचित्र तरीके की फील्ड सेटअप यहाँ बुमराह द्वारा, देखना होगा आखिरी इस बॉल को कहाँ डालेंगे। और ये बेहतरीन गेंद और बेहतरीन फील्डिंग सेटअप यहाँ बुमराह द्वारा, काफ़ी अच्छी फील्ड सेटअप बुमराह ने अपनी, फिलहाल अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा फील्ड सेटअप किया हुआ है। आखिरी गेंद देखने हैं फिनिश किस तरीके से करेंगे बुमराह। अंदर आता हुआ गेंद यॉर्कर एक रन के लिए, काफ़ी शानदार गेंदबाजी। अब आए हैं मोहम्मद शमी, एक और विचित्र तरह की फील्ड सेटअप यहाँ इंडियन की टीम के द्वारा। और एक और बाहर निकलता हुआ गेंद ऋषभ पंत के हाथ के सामने गेंद, और ये ऋषभ पंत का बेहतरीन कैच, एक और विकेट यहाँ पाकिस्तानी टीम का। यहाँ पे हिंदुस्तानी टीम के गेंदबाज काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और शानदार गेंदबाजी करके पाकिस्तानी टीम को पूरी तरीके से बैक कर दिया है, बैक करना चाहते हैं 100 रन के अंदर। क्या मुमकिन है, शानदार कैच यहाँ ऋषभ पंत द्वारा। फकर जमान यहाँ पे एक रन पे आउट, देखते हैं अब मोहम्मद हफीज क्या करेंगे, एक्सपीरियंस बल्लेबाज। एक और उसी तरीके की फील्ड सेटअप, देखते हैं शमी किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। शुरुआत बेहतरीन शमी की, एक बेहतरीन पंच यहाँ पे, और क्या ये बाउंड्री के पार जा सकता है, और ये बेहतरीन फील्डिंग, मगर यहाँ पे चौका मिलेगा। बेहतरीन ड्राइव यहाँ पे मोहम्मद हफीज की, इसलिए बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। अगला बॉल मोहम्मद शमी का, देखते हैं किस तरीके से होगा। थोड़ा सा खींचा हुआ बॉल, काफ़ी अच्छा गेंदबाजी यहाँ पे मोहम्मद शमी द्वारा, शानदार गेंदबाजी यहाँ मोहम्मद शमी की। देखते हैं अगला बॉल फिर से बाहर निकलता हुआ होगा। काफ़ी शानदार बॉल, लेकिन उससे भी बेहतरीन शॉट, फील्डर को कोई चांस नहीं बाबर आजम का। बेहतरीन शॉट, इसलिए बोलते हैं एक्सपीरियंस के साथ टैलेंट भी है बाबर आजम के साथ। अगला बॉल, चार गेंदे आठ रन मोहम्मद शमी, बेहतरीन इन स्विंगिंग यॉर्कर यहां शमी द्वारा। काफ़ी शानदार गेंदबाजी यहां शमी की, देखते हैं फिनिश किस तरीके से करेंगे शमी। और ये बेहतरीन एक और यॉर्कर, एक्सपर्ट हैं यहाँ पे यॉर्कर्स में। नवदीप सैनी को बुलाया है यहाँ पे विराट कोहली ने, देखते हैं सैनी किस तरीके से शुरुआत करते हैं। सैनी का पहला बॉल तेज गति से बाहर निकलता हुआ, लेकिन उससे भी बेहतरीन शॉट यहाँ पे, और ये गलती कर बैठे ऋषभ पंत, बाउंड्री में चले गए और चार रन मिला यहाँ पे मोहम्मद हफीज को। काफी खराब फील्डिंग यहाँ पे ऋषभ पंत द्वारा। एक और शानदार तेज गति का गेंद, 141 किलोमीटर का, काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पे नवदीप सैनी द्वारा, काफी अच्छा कमबैक। और ये एक और वही तरीके का शॉट, लेकिन इस बार सीधा हाथ में ऋषभ पंत के। काफी समझदारी से कर रहे हैं नवदीप सैनी अब गेंदबाजी, देखना होगा अगला गेंद। तीन गेंदे पांच रन, और ये तेज गति से अंदर आता हो, काफी शर्मिंदा होना पड़ेगा यहाँ पे, हाथों के सामने से चला गया गेंद, विराट नाखुश। देखते हैं अगला गेंद नवदीप सैनी का, तेज गति से अंदर आता हुआ, अपील की, लेकिन ये अपील खारिज की जाएगी, कोई फायदा नहीं, बेहर बाहर था, आपस में कंफर्म कर रहे हैं, मना किया यहाँ पे विराट कोहली ने।
आखिरी गेंद किस तरीके से फिनिश करेंगे यहाँ पे नवदीप सैनी। तेज गति का गेंद, काफी अच्छा फिनिश यहाँ नवदीप सैनी द्वारा। यहाँ पे गैम्बल खेल लिया है हार्दिक पांड्या के हाथ में गेंद। देखना होगा पांड्या किस तरीके से डालेंगे गेंद, क्या अभी भी बैक इंजरी से जूझ रहे हैं पांड्या। अंदर आता हुआ गेंद ऑफ कटर सिंगल के लिए, काफी अच्छा शुरुआत यहाँ पांड्या के लिए। काफी अच्छा गेंद यहाँ पांड्या द्वारा, देखते हैं अगला बॉल किस तरीके से डालेंगे पांड्या। एक और ऑफ कटर, एक और अच्छी गेंद। पांड्या यहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ पे नहीं लगा रहे काम, तेज था ये गेंद 141 किलोमीटर का था। देखते हैं अगला गेंद यहाँ पे पांड्या द्वारा, और एक और शानदार गेंद यहाँ पे। काफ़ी अच्छा कमबैक कर रहे हैं पांड्या। अब देखते हैं अगला बॉल यहाँ पे पांड्या का किस तरफ से होगा। क्रॉस सीम गेंदबाजी, तेज़ गति से अंदर आता हुआ गेंद यहाँ पे, तेज़ यॉर्कर यहाँ पांड्या द्वारा। कीपर कीपर चिल्लाया राहुल ने, लेकिन एक ही रन लेने में कामयाब यहाँ। अगला बॉल मोहम्मद हफीज के लिए, शानदार गेंदबाजी यहाँ पांड्या की। काफ़ी अच्छा बैक करा दिया है यहाँ, और डायरेक्ट थ्रो यहाँ पे जसप्रीत का। पांच गेंदों में महेश पांड्या ने 3 रन दिए हैं, जो कि बहुत ही सराहनाजनक है T10 में। अगला गेंद यॉर्कर, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पांड्या की, और यहाँ रन आउट का चांस था, लेकिन बेहतरीन ओवर। चतुर चालाक चहल आए हैं, समझदार गेंदबाज हैं। एक स्लिप के साथ शुरुआत करेंगे चहल, एक कवर्स पे भी खिलाड़ी बाहर। शानदार गेंद पैट्स की तरफ, लेकिन टच किया यहाँ पे सिर्फ बाबर आजम ने। देखना होगा चहल किस तरीके से गेंदबाजी करते, काफ़ी जिगरे वाले गेंदबाज हैं चहल। और ये बेहतरीन फ्लाइट के साथ बाबर आजम को बोल्ड किया, T20 के सबसे शानदार बल्लेबाज को यहाँ बोल्ड करना फ्लाइट से लेग स्पिनर ने, बेहतरीन चतुर चालाक चहल। इसलिए इंडिया के T20 स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर यहाँ पे चहल ने बाबर आजम को बोल्ड किया। बाबर आजम नाखुश 21 रन बना के वापस जाते हुए। अगला बल्लेबाज हेरे सोहेल, काफ़ी बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं ये। देखते हैं चालाक चहल किस तरीके से सोहेल के लिए शुरुआत करेंगे। और ये गुगली पे कैच उठा दिया है सोहेल ने, लेकिन यहाँ पे कैच आउट, जडेजा के हाथ से कोई चीज़ नहीं जा सकती। बेहतरीन बॉलिंग यहाँ चहल की, कम बैक करा दिया है इंडिया टीम को वापस से, पूरी तरीके से मैच पकड़ में इंडिया की। यहाँ पे गुगली डाला, खिंचा हुआ गुगली, जल्दी मार बैठे सोहेल, ऊपर का गेंद था, पुल मार बैठे और हाथ में सीधे जडेजा के। नाखुश है रे सोहेल, क्यों ना हो, काफ़ी खराब शॉट मार के आउट हुए। अब आए हैं मोहम्मद रिजवान, समझदार यहाँ पे बल्लेबाज रिजवान। देखना होगा किस तरीके से शुरुआत करेंगे। हैट्रिक पे एक बल्लेबाज थे और स्वीप खेल बैठे, काफ़ी अच्छा शॉट यहाँ पे बाउंड्री लाइन से सेव किया यहाँ पे रोहित ने, माफ़ कीजिएगा। काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखते हैं अगला बॉल, दो बॉल बचे हैं यहाँ चहल के, और ये शानदार बॉलिंग चहल की, एयर में था बॉल, और ये बेहतरीन शॉट यहाँ पे, काफ़ी अलग शॉट खेला यहाँ पे मोहम्मद हफीज़ ने। एक्सपीरियंस का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं मोहम्मद हफीज़। आखिरी गेंद चहल का, और ये बेहतरीन शॉट यहाँ हफीज़ द्वारा, राहुल तोड़े हैं, क्या ये रनआउट का चांस बन सकता है, मना किया हफीज़ ने। शानदार गेंदबाजी, 3 रन महेश, माफ कीजिएगा 7 रन दिए हैं चहल ने। वापस से आए हैं पांड्या, पहला ओवर काफी शानदार निकाला था पांड्या ने, फिर से अटैकिंग फील्ड के साथ निकले हैं। और ये बेहतरीन गेंद, क्या इस पे अपील की जाके, और क्या ये विकेट मिलेगा, शायद से पाक कर रहे हैं, और कोहली ने ले लिया है रिव्यू। देखना होगा अगर ये विकेट गिरता है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से मैच से बाहर हो सकता है, कोई नो बॉल का चांस नहीं। बेहतरीन गेंद हफीज, क्या देखना होगा बैट लगा है, शायद से नहीं लगा, मुझे नहीं लगता लगा है, और ये बैट का कोई संपर्क नहीं है बॉल से। देखना होगा, शानदार गेंदबाजी यहाँ हार्दिक पांड्या द्वारा, और ये विकेट मिलता हुआ इंडियन टीम को, मिस कर गया एम्पायर कॉल की वजह से, सिर्फ बेल्स क्लिप हो रही थी। हार्दिक पांड्या फिर भी खुश होंगे यहाँ पे, बॉलर की जीत होती हुई फिर भी।
काफ़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे हार्दिक पांड्या द्वारा। पहला बॉल काफ़ी अच्छा गिरा, दूसरा बॉल भी अच्छा जा रहा था, लेकिन दो रन का चांस और ये डायरेक्ट थ्रो पे शायद से आउट हो सकते हैं हफीज। और ये डायरेक्ट थ्रो जडेजा का, जडेजा के एंड से आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। थर्ड एम्पायर ने डिसीजन दिया आउट, हफीज चलते बने वापस। रविंद्र जडेजा यू ब्यूटी। अब आए हैं इमाद वसीम, ये भी काफी समझदार बल्लेबाज, इनिंग्स को बिल्ड करके ये भी आगे ले जा सकते हैं इनिंग को। पहला बॉल इमाद के लिए, बैक फुट पंच पे यहाँ पे मारा है इमाद ने सिंगल के लिए। हार्दिक पांड्या ने यहाँ इनिंग्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना लिया है। देखना होगा हार्दिक पांड्या अब किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। और ये बेहतरीन लेग कटर, लेकिन मोहम्मद रिजवान की किस्मत उनके साथ, बेहतरीन बॉलिंग यहाँ पांड्या द्वारा। और ये गलती कर बैठे यहाँ पे मोहम्मद शमी, विराट फिर से नाराज। देखना होगा आखिरी गेंदे दो किस तरीके से करेंगे खत्म अपना स्पेल, बेहतरीन स्पेल अभी तक का। और ये बेहतरीन यॉर्कर यहाँ पे, पांड्या ने पूरी तरीके से मोमेंटम दे दिया है यहाँ इंडियन टीम को। देखना होगा स्पेल का आखिरी बॉल किस तरीके से फिनिश करेंगे हार्दिक पांड्या। शानदार स्लोअर बॉल के साथ फिनिश किया यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने अपना स्पेल, इस स्पेल की जरूरत थी। चतुर चालाक चहल आ चुके हैं यहाँ, पहले ओवर में 7 रन देके 2 विकेट लिए थे चहल ने। और ये पहला बॉल चहल का, रोकना चाहिए था चहल को, शानदार बॉल, एक बॉल। और ये अपील की है चहल ने, लेकिन लगता नहीं एम्पायर देंगे कुछ। अगला बॉल चहल का इमाद वसीम को, गुगली यहाँ पे चहल का स्पेशल, बहुत गैप है यहाँ, 2 रन आसानी से मिलना चाहिए इमाद को, आसानी से चुरा लिए यहाँ इमाद ने 2 रन। चहल का अगला बॉल, बेहतरीन यॉर्कर यहाँ पे चहल से भी यॉर्कर, और मिडिल स्टंप गिरा बेहद दूर, सीम अप डिलीवरी, यॉर्कर बनाया यहाँ मोहम्मद इमाद वसीम ने, माफ़ कीजिए। और ये बोल्ड हो गए हैं चतुर चालाक चहल, द स्पेशलिस्ट इंडियन बॉलर फॉर द T20s, ऑल फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट, ही इज द बेस्ट राइट नाउ। थोड़ा सा अटैक करना चाहते हैं, चहल का अगला बॉल और ये स्वीप शॉट खेला है यहाँ पे, 2 रन की मांग, 2 रन होना चाहिए। और ये डायरेक्ट थ्रो पड़ेगा, और ये डायरेक्ट थ्रो अपील की है, लेकिन माफ कीजिएगा लगता नहीं है यहाँ पे, शानदार गेंदबाजी चहल द्वारा। और ये अपील करी यहाँ पे चहल ने, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आउट होगा। काफी शानदार बॉलिंग चहल की, मना किया ये विराट कोहली ने। आखिरी गेंद चहल का, बेहतरीन फिनिश यहाँ चहल ने दी, बेहतरीन गेंदबाजी चहल की। नवदीप सैनी वापस आते हुए, तो स्लिप के साथ काफी अटैक करना चाह रहे हैं विराट, 18 गेंदे 58 रन। पहला बॉल नवदीप सैनी का, काफी शानदार तेज गति का 149। देखते हैं अगला बॉल किस जगह पे होगा नवदीप सैनी का। और ये काफी अच्छा बॉल नवदीप सैनी का, तेज गति से डाल रहे हैं नवदीप सैनी, 147। महज, माफ़ कीजिएगा, महज नहीं है ये, बैट्समैन से पूछिए कितना तेज है। देखते हैं अगला बॉल नवदीप सैनी, तेज गति से अंदर आता हुआ, बहुत ही मामूली चूक यहाँ पे बल्लेबाज, और यहाँ पे आउट हो सकते हैं आप। तेज गति से डाल रहे हैं नवदीप सैनी, और ये बैक ऑफ द लैंड डिलीवरी, हिट द डेक हार्ड नवदीप सैनी, शानदार 3 गेंद यहाँ पे लगातार। देखना होगा अगला गेंद किस तरीके से डालेंगे नवदीप सैनी। स्लो बॉल कैच की अपील यहाँ पे, और ये सब लोग ने बेहतरीन जडेजा का कैच, जडेजा से कोई बॉल इधर से उधर नहीं हो सकती, जडेजा से आप कोई बॉल नहीं छुड़वा सकते, जडेजा द वर्ल्ड्स बेस्ट फील्डर। बेहतरीन फ्लिक मारने की कोशिश की थी, फाइन लेग नहीं था, लेकिन मार बैठे जडेजा के हाथ में। मोहम्मद रिजवान 6 रन बनाकर आउट।
हसन अली आए हैं, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है एक तरीके से मैच। यहाँ पाकिस्तान के टेलेंडर्स आ चुके हैं। अब तेज गति का गेंद और ये एक और विकेट नवदीप सैनी का, यॉर्कर पे फ्लिक कर दिया था शादाब खान ने। काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ नवदीप सैनी की, काफी अच्छा सिलेक्शन यहाँ कमेटी का, नवदीप सैनी को खिलाया भुवनेश्वर कुमार की जगह और नवदीप सैनी ने अपनी वजह बता दी। आए हैं मोहम्मद आमिर, सामने है जसप्रीत बुम बुम बुमराह। देखना होगा जसप्रीत बुमराह किस तरीके से फिनिश करते हैं इस पाकिस्तानी पारी को। पहला गेंद और यॉर्कर जो स्पेशलिस्ट जाने जाते थे, और डंडा विकेट कीपर के पास, काफी तेज 150 किलोमीटर का यॉर्कर, तेज गति का जसप्रीत बुमराह। यू प्यूरी नाउ और देखिए हसन अली नाराज, क्यों भी ना हो 50 रन पे 9 विकेट। शाहीन अफरीदी आ चुके हैं, देखना होगा जसप्रीत बुमराह किस तरीके से फिनिश करते हैं। क्या एक और यॉर्कर आएगा, एक और यॉर्कर, लेकिन शाहीन बच गए यहाँ। काफी अच्छा फील्ड यहाँ पे हार्दिक पांड्या द्वारा। मोहम्मद आमिर बुमराह के सामने, काफी तेज और ये मोहम्मद आमिर आउट, और इसी साथ होता है यहाँ इंडिया के हाथों में मैच फिनिश। काफी तेज गति से आया बॉल, क्रॉस सीम डिलीवरी, यॉर्कर स्पेशलिस्ट बुमराह, शानदार बॉलिंग यहाँ इंडिया की। तो इसी के साथ मेरे भाइयों इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। जिसको इस वीडियो पसंद आई हो जरूर जल्दी से जाओ सब्सक्राइब बटन दबा देना, लाइक दबा देना, शेयर दबा देना, और कमेंट सेक्शन तो मेरे भाइयों तुम्हारा है ही, तो जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में लिख दो जो आपके मन में अच्छा लगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, चीयर्स। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।